देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने भारत सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते में दैनिक कोरोना मामलों में 285% का उछाल देखने को मिला है। 23 से 29 दिसंबर के बीच सिर्फ 56,722 कोरोना केस दर्ज हुए थे, लेकिन अगले 7 दिन यानी कि 30 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच 218,667 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोरोना की तीसरी लहर के संकेत हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 58,097 नए मामले सामने आए थे और रोजाना कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 534 दर्ज की गई थी। अब तक के कुल 482,551 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि सबसे ज्यादा कोरोना मामले महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु से आ रहे हैं। 24 घंटों में इन राज्यों में आए सबसे ज्यादा केस, महाराष्ट्र 18,466, पश्चिम बंगाल 9,073, दिल्ली 5,481, केरल 3,640, तमिलनाडु 2,731। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 2000 पार हो चुकी है और अब तक कुल 2,135 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले 24 राज्यों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 653, दिल्ली में 464 और केरल में 185, राजस्थान में 174 और गुजरात में 154 मामले रिपोर्ट हुए हैं। दिल्ली, पंजाब सहित इन राज्यों में लगी नई पाबंदियां। दिल्ली, देश की राजधानी में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगेगा, यानी अब हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से लागू कर्फ्यू लगातार सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अब सभी सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। पंजाब, राज्य में 15 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवाजाही पर रोक है। स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान बंद है। सिर्फ वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को कार्यस्थलों में जाने की अनुमति होगी। हरियाणा, यहां सभी स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत से मॉल और बाजार शाम 5 बजे के बाद बंद रहेंगे। इन 5 जिलों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, 14 जनवरी से 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रात्रि कर्फ्यू में 2 घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी दिया गया है। जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व अन्य सामाजिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। बिहार, राज्य भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। एक बार फिर से सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 8वीं तक के सभी स्कूल के कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी दुकानें रात बजे तक ही खुल सकेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।